बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर अलजेब्रा का। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 आज हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन 1 के अंदर क्या था, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वेयर। हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वेयर बने हुए हैं, आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके इसमें से के की वैल्यू को निकालना है, डिवाइड करना है। जैसे छोटी क्लास के अंदर आप लोग डिवीजन सीखते हुए आ रहे हैं ना, वही डिवीजन है। एक वैल्यू अंदर होती है, दूसरी वैल्यू बाहर होती है, 2x+1 है और आगे जाके x+1 को मल्टीप्लाई, लेकिन वो बाहर वाली वैल्यू आप लोगों को गिवन होती है, ठीक है, या दी होती है या कोई सीन बना होता है, लेकिन यहाँ पे बाहर वाली वैल्यू नहीं है। अब बाहर वाली वैल्यू के लिए उसने एक जिक्र कर दिया कि इट्स परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले टर्म को देखें, पहले टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 4 4 16, ठीक है, 5 5 25 6 6 36। जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्स है, उसके साथ 1 है, तो 1 1 1 ही होता है। उसके थर्ड पार्ट के अंदर फिर 4 है, थर्ड पार्ट इसका सॉरी नहीं है। जैसे चलिए क्वेश्चन 4 का देख ले, 49 दिया गया, तो 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लोगों के पास यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो टर्म आप लोग लोगे ना, फर्स्ट टर्म जो मल्टीप्लीकेशन के लिए या डिविजन के लिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं सिखाता हूं सोल्यूशन के अंदर। अब सबसे पहले ये जो पूरी टर्म है ना, ये लिखो ना डिविजन के अंदर, सही, ये डिविजन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग इसके अंदर लिख लेते हैं। तो 4x 4 -12x³ + 37x² - 42x + k, ये चीज आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर का जिक्र किया, तो पहले टर्म के लिए हम लोगों ने खुद से वैल्यू उठानी है, खुद से वैल्यू उठानी है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे पहले टर्म है 4 2 4x 4 4x 4, ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होगा, 4x 4 का 2 2 4, तो 2 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, x², तो 2x² × 2x² 4x4 आ जाएगी। ठीक है, ये अगर 49x4 दिया है तो क्या होगा, 7x² × 7x², ठीक है, 7 7 49, तो यहां पे भी हम लोग करेंगे जी 2x² × 2x², तो 2 2 4 और x² और x² x 4, ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर नीचे क्या आ जाता है, साइन माइनस का, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, फर्स्ट कैंसिल, सेकंड दो को एक साथ उतारे, ठीक है, ये आपका मेथड है, -12x³ + 37x², ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, कि जो चीज आप लोगों ने ली थी ना मल्टीप्लीकेशन के लिए, इन दोनों को आप लोगों ने ऐड कर देना है। क्या करना होता है, ऐड, इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको फिर अगली वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, 4x² आ जाएगा। ठीक है, ऐड हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 4x², अब 4x² को 12 के ऊपर कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10, तो 4x² माइनस का साइन भी खत्म करना है, माइनस लगा लें, माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब 4 3 12, और क्या मल्टीप्लाई करें, x³ बने x के साथ, तो 4x² × -3x² 4x² × -3x = -12x³, ये चीज बन गई, नहीं बनी, -12x³, ये आ गया। अब बात तो यहां पे ये है कि सर अब अगले वाले टर्म के साथ क्या करें, अगले वाले टर्म के साथ ये काम करना है, जो चीज आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, वो यहां पे लिख लो, -3x, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, -3x² भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, सही है, इस चीज की समझ आ रही है आप लोगों को। तो -3x के साथ अब लोग -3x और -3x, तो -3x 3 3 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का जिक्र होता रहेगा। तो -3x को -3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 -9x² डिवाइड, नहीं माइनस और माइनस सॉरी प्लस प्लस, ठीक है, नीचे वाले साइन हमेशा चेंज होते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, डिविजन में साइन चेंज हो जाते हैं, यह आ गया। अब जो चीज बच गई वो लिखे, 37 - 9, डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर क्या करें आप लोग, यहाँ पे मैंने वैल्यूज अपने पास नोट की होती है, ठीक है, पॉइंट्स मैंने बनाए होते हैं, तो मेरे पास 28x² बच रहा है, ठीक है, 28x², उसके साथ ऊपर वाली वैल्यू को उतार ले, -42x और k भी, मैंने कहा था दो टर्म्स उतार रही है, तो दो टर्म्स हम लोगों ने नीचे उतार ली। अब सर अगला स्टेप कैसे होगा, अगला स्टेप ऐसे होगा, देखिए फर्स्ट एज इट इज उसको नहीं छेड़ना, सेकेंड वाले को फिर ऐड करना है, जैसे फर्स्ट और फर्स्ट ऐड हुआ था, अब सेकेंड वाला ऐड होगा इसके साथ, तो -3x एंड -3x -6x
ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 28 बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 4x² मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 28, तो 4 7 जार, अब x उसके साथ है, x² इधर भी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो प्लस 7, सिंपल 7, 4 7 जार, 4x² मल्टीप्लाई बाय 7, 28x² आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने नोट किया, ऑटोमेटिकली फर्स्ट फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है, ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है, क्यों, वो परफेक्ट स्क्वायर बनने में, परफेक्ट स्क्वायर बनने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। सही है, अब नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस फर्स्ट वाला तो हो गया जी कैंसिल, लेकिन जो चीज है वो तो मल्टीप्लाई करो, माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 7, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 यह आ जाएगा 35 एंड 42, 42 आ जाएगा, तो माइनस 42 यहां पे लिखो, माइनस 42 एक्स, माइनस 42 एक्स 6x, अब देखिए ऑटोमेटिकली वो बना, लेकिन नीचे वाला साइन तो चेंज होगा, प्लस का ये माइनस का कट हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा गया जी के, के लेकिन ऑटोमेटिकली के तो नहीं बचता ना, आप लोगों ने जो चीज ऐड की है वो भी तो लिखोगे साथ, तो मैंने क्या बोला था, वो चीज इधर लिखोगे, जैसे हम लोगों ने 3 को वहां मल्टीप्लाई किया और वही मल्टीप्लीकेशन की चीज यहां पे आ गई, तो 7 तब वो तो यहां पे आएगा, तो 7 7 जार 49, तो 49 आप लोग इसके आगे लिख लो, ठीक है, तो ये आगे जी 49, के इज इक्वल्स टू 49 आ गया, सही है, प्लस 49, लेकिन प्लस 49 नहीं आएगा क्योंकि वहां पे ऊपर हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो नीचे वाला साइन चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस 49, सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, मिसाल के तौर पे 7 7 जार 49, तो यहाँ पे 49 लिख लें, नीचे वाला साइन चेंज हुआ, अब के प्लस ये माइनस का, तो ये माइनस 49 आ गया, के माइनस 49, इधर तक बात क्लियर हो गई है, अब के माइनस 49 का मतलब के माइनस 49, ये जो रिमाइंडर है ना, इस नीचे वाले को हमेशा क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ये बातें भी इसी की, ये रिमाइंडर होता है, ऊपर वाला जो होता है वो कोशेंट कहलाता है, ठीक है, और ये जो होती है ना, ये साइड जिधर ये होती है, ये डिवीजन कहलाता है, ठीक है, इसके नाम है डिवीजन, कोशेंट, रिमाइंडर, सही है, रिमाइंडर में जो चीजें बच गई वो लिख लेते हैं, तो सिर्फ के माइनस 49 और रिमाइंडर को जीरो के बराबर रखना है हमेशा, और k इज इक्वल टू 49, ठीक है, k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू फाइंड आउट होगी है 49, सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया कैसे हम लोग k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड, और उसके अंदर आप लोगों को हमेशा जब भी कहें कि डिवाइड करें वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बना होता है, परफेक्ट स्क्वायर आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर सीखें, बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सही है, सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली समझ लिया होगा, कहीं पर अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं मैसेंजर पे, ठीक है, मोर ऐसे वीडियोस कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसके अलावा पार्ट नंबर 2 के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, इसका प्लेलिस्ट बनी हुई पूरी क्लास 9 की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को अपने साथ सेव कर लें, सिर्फ 9 की वीडियो सही होती ना तो उसके ऊपर 9 की न्यू न्यू अपडेट, न्यू न्यू क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, अगर टॉपिक चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करते हैं, सही, तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल, बहुत हेल्पफुल चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फिजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।